अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक हेल्थ वेइंग स्केल के मुताबिक कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। इसका आज हम रिव्यू भी करेंगे, इसके अंदर बॉक्स के अंदर से देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और ये किस तरीके से काम करता है, इसकी किस तरीके से कैलिब्रेशन कर सकते हैं और इसको BMI, इसके अंदर BMI कैलकुलेटर भी है और हम अपना यानी हेल्थ चेक करेंगे कि हमारा वेट ज़्यादा हमें बता रहा है या कम बता रहा है। तो आज हम इसकी कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल देखते रहिएगा। जी फ्रेंड, सबसे पहले अगर हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो आप ये देख सकते हैं, जब अगर हम बॉक्स ओपन करते हैं तो इसके अंदर जो है ये हमारे पास एक मैनुअल निकलता है जिसके अंदर सारी इसकी सेटिंग बताई हुई है कि किस तरीके से ये हम इसको स्टैंड में फिट कर सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये इसका ऑपरेशनल मैनुअल है, तो इसको हम फिलहाल साइड में रख लेते हैं। और ये जो है इसका, इसको हम ओपन करते हैं, ये देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये हमें लेंथ बताती है, अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं तो आप ये देख सकते हैं, ये अगर हाइट जो है हमारी हाइट बताएगी, ये जितनी भी है इसके अंदर कंप्लीट जो है सेंटीमीटर में ही बताया गया है, इंचेस में ही बताया गया है और मीटर के अंदर भी बताया गया है। तो ये कंप्लीट अगर इसको हम ऊपर नीचे करके खोल सकते हैं, ये हमारी लेंथ है, ये हम सारा इसको लगाते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके मुताबिक। तो ये एक रॉड है जो कि हमारी हाइट बताता है, उसके अलावा ये जो है एक रॉड, ये बड़ा हैवी किस्म का, बड़ा अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है और ये जो है इसके ऊपर इंडिकेटर जो है ऊपर फिक्स होगा, इसको भी हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद जो है अगर हम इसको बॉक्स को ओपन करते हैं, अगर हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक ये इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर को भी हम ओपन इसके अंदर से निकाल लेते हैं। ये हमारे सामने एक डिजिटल हेल्थ वेइंग स्केल, इसके ऊपर लिखा हुआ है ये BMI, ये प्रिंट होल्ड टेयर जीरो और ये कंप्लीट सारी इसके मुतालिक डिटेल बताई गई है। तो इसको भी हम अभी प्लेटफॉर्म के ऊपर फिक्स करते हैं और हम देखते हैं कि ये कैसा है। सबसे पहले हम प्लेटफॉर्म अंदर से निकाल लेते हैं। ये आप प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, इसका तकरीबन कम से कम भी 8-9 kg या 10 kg इसका वजन होगा। ये बहुत हैवी किस्म का प्लेटफॉर्म है और अभी हम इसके ऊपर यानी रॉड लगा के कंप्लीट इसके ऊपर करके इसको फिक्स करेंगे, इसको हम असेंबल करेंगे। तो ये जो है मैं प्लेटफॉर्म इसके ऊपर रख देता हूँ, यहाँ पे जमीन के ऊपर हमारे इसको बॉक्स को जो है हम साइड में रख देते हैं। और ये जो है ये प्लेटफॉर्म, ये रॉड इसके ऊपर आ जाएगा। तो बॉक्स के अंदर जो है अभी फिलहाल और कुछ नहीं है, बॉक्स को हम साइड में रख देते हैं और प्लेटफॉर्म को जो है हम असेंबल करते हैं। तो हमारे जो नुमान जो है वो अभी प्लेटफॉर्म को असेंबल करेगा। ये जो है एलगी बोल्ट जो है, हम इसको खोल लेंगे एलगी को। रॉड के अंदर से केबल जो है हमने निकाल लेनी है। इस तरीके से नहीं, इंडिकेटर जो है ऊपर वाले फिक्स होगा, रॉड जो है उसके अंदर से केबल निकलेगी, इंडिकेटर को पहले इसके अंदर फिर डाल के, केबल इसके अंदर फिर डाल के ऊपर फिक्स हो जाएगा। जी फ्रेंड, ये केबल आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से निकल गई है। अब इस रॉड को जो है हम यहाँ पे लगा देंगे। टाइट कर देंगे और यहाँ पे एलकी लगी हुई है, हम एलकी को इसके साथ टाइट कर देंगे। ये हम इसके लोड सेल के जो है ये कनेक्शन कर देंगे, सिंपल ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर लग जाएगा। अब बकाया जो है हम इसको केबल को इसके अंदर ही कर देंगे।
अब जो हल्की बोल्ट से हम इसको टाइट कर देंगे। ये फ्रेंड आप ये देख सकते हैं कि ये जो स्केल है इस टाइम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और ये इसका प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म भी काफी हैवी इसका प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा ये जो है ये इसकी हाइट मेजर करने के लिए है, यानी जितनी भी हमारी हाइट है हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होने हैं, और यहाँ से जब हम चेक करेंगे कि हमारी कितनी हाइट है तो यहाँ से हमने हाइट को मेजर कर लेना है। और इसमें जो है तकरीबन जो इसकी फुल लेंथ है वो तकरीबन जो है 2 मीटर टोटल बनते हैं, तो ये इसकी लेंथ है। तो हम इसमें लेंथ भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मैं इसकी आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले जो है मैं अपनी हाइट नाप लेता हूँ, ये मैं फुल खड़ा होके अपनी हाइट जो है मैं ये नाप ली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहता चलूं कि हमारे चैनल में हर तरह के विंग स्केल की कैलिब्रेशन, विंग इंडिकेटर की रिपेयरिंग, लोड सेल रिपेयरिंग, हर तरह के इंडिकेटर की कैलिब्रेशन, लोग विंग स्केल में किस तरह से चीटिंग करते हैं, विंग स्केल की प्राइस, और आप लोगों को विंग स्केल से रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमारे से यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फौरन क्लिक करें, और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे ये होगा कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें पता लगे कि आप लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है या नहीं। तो चलें दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाइट नापने के बाद जो है मैं यहां पे चेक करता हूं कि मेरी टोटल हाइट जो है वो कितनी बनी है। तो आप ये देख सकते हैं कि तकरीबन 6.6 तकरीबन बनी है, 6.5 से जो है थोड़ा सा ज्यादा बनी है मेरी, यानी 6 फुट 5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे मैं 6 फुट 5 इंच लिख देता हूँ। ये जो है इसको मैं सबसे पहले नीचे कर देता हूँ, ये यहाँ पे नीचे हो जाता है, 6.5 है। अब मैं जो हूँ इसके ऊपर वेट है, मैं उसके ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये मेरा वेट जो है इस टाइम 76 kg जो है मेरा वेट है। अब मैं ये जो बटन है हमारा BMI के बटन को जो है मैं प्रेस करता हूँ। जब मैं ये मेरा सबसे पहले हाइट मांग रहा है, हाइट जो है मेरी 1.65 मीटर है। ये मैं जब आपको दोबारा दिखा देता हूँ, यह मीटर में जो है मेरी हाइट ये मांग रहा है। जब मैं अगर मैं इसके ऊपर खड़ा होता हूँ यानी अगर आप ये मीटर की बात करते हैं, ये जब मैं पूरा ऊपर खड़ा होता हूँ ये आप देख सकते हैं, ये मैं ऊपर पूरा खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पर जो मेरा ये बता रहा है ये इस टाइम जो हमें बता रहा है ये 160 और ये 165, यहाँ पे जो है ये 165 बनेगा। और अगर इसे नीचे हम आते हैं तो 65 के बाद 170 आ जाता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक है, लेंथ हमारी यहाँ तक आ रही है, तो 165 है। 165 जो है हम इंडिकेटर के अंदर लगा देते हैं। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, इसको मैं फोल्ड कर देता हूँ। लेंथ हमें कंफर्म हो गई है कि हमारी लेंथ कितनी है। तो यहाँ से जो है
165 है, यहाँ से मैं चेंज करता हुआ 6 कर देता हूँ, ये हमारी हाइट बता रहा है 165। उसके बाद जो है मैं एंटर के बटन को प्रेस करूँगा। ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये सारा हमारा फार्मूला कि ये किस तरीके से ऑपरेट होता है ये सारा हमारा बता रहा है। उसके बाद जो है ये हाइट लिखने के बाद मैंने एंटर के बटन को प्रेस करूँगा, ये मैंने एंटर के बटन को प्रेस कर लिया, तो ये हमारा जो वेट बता रहा है कि इस टाइम जो मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा है 27 जो केजी जो है वो मुझे अभी कम करना है अपना वज़न, तो इस तरीके से हमारा वो वेट बता रहा है। ये डिजिटल हेल्थ एंड वेट स्केल है, तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने हमारा बता दिया है कि हमारा वज़न ज़्यादा है या कम है। अगर मैं नीचे उतर भी जाता हूँ तो ये हमारा उधर ही कंफर्म हो गया हमें कि ये इतना वेट जो है हमारा बढ़ा हुआ है, ये हमें बता रहा है। तो हमें दोबारा वेट के ऊपर आना है, तो हमने ऑन ऑफ का बटन दबाएंगे तो हमारा फिर ये वेट बता देगा। ये आप देख सकते हैं कि पूरा जो है ये हेल्थ एंड वेट स्केल है।